अजोला की 15 लाख से ज्यादा कैब भारत के 250 से ज्यादा शहरों में चला करती है, लेकिन फिर भी जब हम राइड बुक करते हैं तो उसके बाद ड्राइवर का फोन आता है, वो लोकेशन पूछता है कहाँ जाना है और आप किस मोड से पेमेंट करेंगे, उसको नहीं ठीक लगता है तो वो 2 से 3 बार वो राइड कैंसिल हो जाती है लोगों की। ऐसा इंडिया में हर कोने में लोगों को आज की डेट में ओला राइड में फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे इनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे क्यों ओला आने वाले टाइम में फेल हो सकती है और इससे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो दोस्तों, ओला की शुरुआत भारत में 3 बड़ी नीड्स को देखते हुए भविष्य अग्रवाल ने किया था। सबसे पहली नीड थी कि ड्राइवर्स का बहुत ही एरोगेंस बिहेवियर था, वो कस्टमर के साथ बहुत ही ठीक से बात नहीं किया करते थे। दूसरा बड़ा जो रीजन था कि इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी थी, बहुत ही कम एरिया में कैब्स या फिर आपको ऑटोज मिला करते थे। और तीसरा था, ये मनमाना रेट्स चार्ज किया करते थे लोगों से। कहीं भी जाना है वो देखते थे कि लोगों को कितनी ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से 10 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये वो चार्ज किया करते थे। तो इसी को देखते हुए भविष्य अग्रवाल ने जब ओला की शुरुआत करी तो वो इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ओला इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न है और शुरुआत से ही इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल गया था, मतलब इनको कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही ईजी प्रोसेस हो गया था। आइए इसको अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ प्रॉब्लम कैसे हुई। बेसिकली अगर हम इन ब्रांड्स को समझें तो ये पूरी तरह से एसेट लाइट मॉडल पे काम किया करते हैं, मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप जोमेटो स्विगी के बिजनेस में देखिए तो जोमेटो स्विगी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है रेस्टोरेंट और कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप एडटेक प्लेटफॉर्म्स में देखें तो बायजू एक टीचर और एक स्टूडेंट को जोड़ने का सिर्फ काम करती है। उसी तरीके से ओला और उबर का भी यही काम था कि कैब ड्राइवर और कस्टमर को कनेक्ट करना था। अब इसके लिए इनको दोनों के लिए ल्यूक्रेटिव ऑफर्स लाने थे, जिस वजह से कस्टमर और ड्राइवर दोनों इनके पास आए। तो जब ओला ने शुरुआत की और साल 2013 में उन्होंने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए बहुत टाइप के नए उन्होंने फीचर्स लॉन्च करने चालू किए, जैसे कि राइड शेयरिंग, फर्स्ट राइड आपकी फ्री हो जाएगी या फिर आपको अगले राइड पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। इस तरह के कई इन्होंने स्टार्टिंग डेट में सर्विसेज निकाली ताकि लोग इनकी पहली दूसरी राइड करने जरूर आए, ताकि उनको वो एक्सपीरियंस मिलेगा। इसी तरीके से उन्होंने ड्राइवर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें किया। ड्राइवर से ये पर राइड का सिर्फ 5% कमीशन चार्ज करना इन्होंने शुरू किया था। इसके साथ ही इन्होंने बेस प्राइस के साथ हर राइड पे 15 रुपये पर किलोमीटर एक्स्ट्रा दिया जाता था ड्राइवर को। इसके साथ ही इन्होंने इंसेंटिव ऑफर भी लॉन्च किया था साल 2013 में, जिसमें था कि कोई भी ड्राइवर अगर पर डे की 12 राइड पूरी करता है तो उसको उस दिन का बोनस करीब 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जिस वजह से आप अगर देखेंगे इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के वो कैब ड्राइविंग सर्विस में वो जाना शुरू किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे ओला स्टेप 2 में आ गई थी, अब उनको ट्रस्ट बिल्ड करना था ड्राइवर के साथ भी और कस्टमर के साथ भी। तो इसके लिए उन्होंने कई और नए ऑफर्स इंडिया में लॉन्च किए, जिस वजह से कैब ड्राइवर बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते थे और करीब 1.5 लाख तक हर कैब ड्राइवर अर्न कर रहा था स्टार्टिंग डेज में ओला के। और इसी समय जब लोगों को ट्रस्ट हुआ तो ड्राइवर्स ने नई नई कार्स खरीदने चालू किया। 6 से 7 लाख रुपए लगा के ड्राइवर्स ने नई नई कार्स खरीदना शुरू किया। सबसे ज़्यादा डिज़ायर चलती है, डिज़ायर बहुत सारे कैब ड्राइवर्स ने खरीदी थी, जिस वजह से बहुत लोगों ने लोन लिया। ओला ने भी अपनी लोनिंग सर्विस यहाँ पे शुरू किया और बहुत लोगों ने लोन सर्विस की वजह से अपने कार खरीद लिया। और यहाँ पे इन्होंने कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कस्टमर का मंथली पास भी लॉन्च किया और राइड शेयरिंग फीचर्स भी लॉन्च किया, मतलब कि कस्टमर 1 महीने का एक बार में पेमेंट कर दे और वो डेली जाके राइड करता रहे। इस वजह से कस्टमर को एक हैबिट फॉर्मेशन होने लगी थी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है, या अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है आपको अगर जॉब सर्च करनी है तो। तो दोस्तों इन सब का सोल्यूशन है रीलेवल, जो कि एक अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है। उर्ला तेज शरण, जिनको कॉर्पोरेट में अच्छा जॉब चाहिए था और ये रीलेवल के थ्रू आज नोवा बेनिफिट्स में सेल्स की जॉब पा चुके हैं, वो भी 77% सेल्स हाइक के साथ। इसी तरह वत्सल ने भी अपना कोडिंग में कैरियर बनाना था और आज वो विंगीफाई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इवन उनकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर की है। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रीलेवल के थ्रू अपने लाइफ को चेंज किया है पूरी तरह से अच्छी जॉब पाकर। तो दोस्तों अगर आप भी इनके तरह अपना लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप 6 से 10 जुलाई के बीच में ये टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली फ्री है, और आप भी अच्छा एक पैकेज पा सकते हैं अपने जॉब के लिए रीलेवल के थ्रू। इसमें बेस्ट पार्ट है कि डेली टॉप स्कोरर को मिलेंगे अमेजन वाउचर्स 30,000 तक के, और इवेंट टॉपर्स को मिलेंगे एप्पल गुडीज जैसे कि आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच, और इवेंट के टॉप 100 स्कोरर्स को मिलेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स। आप यहां पे टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि सेल्स, प्रोग्रामिंग, एचआर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और हाल ही में इन्होंने कंटेंट राइटिंग के लिए भी बेस्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। तो दोस्तों आप भी देर मत करिए, आपके पास भी एक अच्छा मौका है जॉब पाने का। डिस्क्रिप्शन में हमने रिलेवल सेलेक्ट का लिंक दिया है, वहां पे लिंक क्लिक करिए, साइन अप करिए और अपना टेस्ट स्लॉट बुक करिए और जाके टेस्ट दीजिए, एक अच्छा जॉब पाने का मौका है। तो दोस्तों आइए हम वीडियो पे वापस आते हैं।
दोस्तों ये पूरा एक सेल्स फनल होता है जो मैं 4 स्टेप में आपको पूरा समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेप में उनको कस्टमर के लिए नीड क्रिएट करनी थी, जिस वजह से उन्होंने फंडिंग से आए जितने पैसे थे उसको बर्न करना चालू किया था। स्टेप 2 में उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया और यहाँ पे उन्होंने ड्राइवर्स को हेल्प करके उनको कार बाई करवाई EMI पे, जिस वजह से अब वो EMI अगर पे करना है तो 5 साल तक इनके साथ जुड़ चुके हैं। अब आ गया था स्टेप 3 जहाँ पे डिपेंडेंसी हो गई थी, मतलब अब एक कस्टमर को भी रोज अपने घर से अगर ऑफिस तक जाना है तो वो इन्हीं की सर्विस यूज करेगा, और एक ड्राइवर ने अगर कार खरीद ली है तो उसको अगले 4-5 साल तक जब तक वो EMI नहीं पे कर देता है उसको अब यही काम करना होता है, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुका था या अपने वो गाँव से शहर आ चुका था और उसने कैब भी खरीद ली थी तो अब वो पीछे नहीं हट सकता था। और यहीं पे डिपेंडेंसी होने के बाद जहां ओला सिर्फ 5% कमीशन चार्ज कर रही थी ड्राइवर से, वो बढ़ के 10% हो गया, फिर 25% हो गया और आज के डेट में 35% कमीशन चार्ज कर रहे हैं ड्राइवर से। वहीं अगर हम ये देखें कि डेली के 12 राइड पे 2000 रुपये बोनस दे रहे थे, वो बढ़ा के इन्होंने साल 2016 में 14 राइड पे 2000 रुपये देने चालू किए और 2020 में इन्होंने ये इंसेंटिव का प्रोसेस भी बंद कर दिया। अब यहाँ अगर हम देखें कि पहले 3 स्टेप में ओला बहुत ज़्यादा पैसे बर्न कर रही थी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उसके साथ नीड क्रिएट करने में, उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में, उसकी डिपेंडेंसी बनाने में। साल 2016 में देखें तो ओला पर डे का 6 करोड़ रुपए बर्न कर रही थी अपनी सर्विसेज के लिए, और 2018 के बाद जब इन सिर्फ इन्वेस्टर्स ने पैसे मांगने वापस चालू कर दिए, अब जहां साल 2018 में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखना चालू किया उसके बाद ये पूरी तरीके से अपना इन्होंने मॉडल चेंज कर दिया। इन्होंने कस्टमर से भी हाई चार्ज शुरू कर दिया और यहां पे इन्होंने ड्राइवर्स को भी सारे कमीशन देने बंद कर दिए। अब यहां कस्टमर के पास भी कोई नया ऑप्शन नहीं है और यहां पे कैब ड्राइवर के पास भी कोई नया ऑप्शन नहीं है। अब अगर आज की डेट में आप ओला बुक करते हैं तो अगर वो रेनी डे है तो यहां पे उनके चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 30-40% वो चार्ज बढ़ा दिया करते हैं। अगर आप रेगुलर राइड लेते हैं अपने घर से ऑफिस तक का तो आपकी राइड आप देखेंगे कि रेगुलरली बढ़ती जा रही है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और कोई ट्रेन अगर आई है तो उस जगह पे भी आपकी राइड का रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, ये सब AI करता रहता है। ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये कस्टमर का बाइंग बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि कस्टमर कितना कमाता है और वो कितना खर्च कर देता है, उस हिसाब से ये अपने चार्जेस बढ़ा दिया करते हैं हर कस्टमर के अकॉर्डिंग। यही काम उबर भी किया करता था, उबर पे हमने डिटेल्ड केस स्टडी किया हुआ है, वही मॉडल आज ओला भी इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वही अगर हम गेम का दूसरा प्लेयर देखें ड्राइवर के लिए एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन आज के डेट में बन चुकी है, क्योंकि जिसने भी कार इनकी खरीदी थी उसको शुरुआत में करीब 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक ओला से मिला करते थे, आज इसको सिर्फ 22 से लेकर 30 हज़ार रुपए तक मिलते हैं। अगर एक कैब ड्राइवर पर डे के 8 से 10 राइड भी करता है तो उसको 25 हज़ार रुपए से ज़्यादा वो अपने घर पर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जितने भी वो पैसे कमाता है उसमें से उसको फ्यूल का पे करना होता है। और जिन भी लोगों ने ओला में कैब सर्विस शुरू किया था उसमें से मोस्टली लोगों ने EMI पे कार खरीदी हुई है, जिस वजह से अब वो ओला की सर्विसेज के साथ फंस चुके हैं, क्योंकि अब उनको EMI तो पे करना ही है, जिस वजह से वो ओला को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो 3 नए तरीके अपनाते हैं आज के डेट में ओला में, जिस वजह से हमें ओला की सर्विसेज में बहुत प्रॉब्लम आती है। राइड बुक करने के बाद सबसे पहले कैब ड्राइवर आपसे फ़ोन करके पूछता है कि आपको किस जगह पे जाना है, तो इससे वो ये समझ लेता है कि जिस लोकेशन पे मुझे जाना है क्या वहां से मुझे एक रिवर्स राइड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरा चीज़ वो यहाँ पे कैलकुलेट करता है कि उस एरिया में ट्रैफिक कितना है, क्योंकि अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए ओला इनको पे नहीं करती है, ओला इनको पर किलोमीटर पे किया करती है। और यहाँ पे हम देखें कि ओला पर मिनट का 1.58 रुपये चार्ज किया करती है, लेकिन ये कैब ड्राइवर के लिए सफिशियंट आज के डेट में नहीं है, क्योंकि उनको अपना मेंटेनेंस भी उसी पैसे में देखना है, अपना फ्यूल प्राइसेस भी देखना है, हर एक चीज़ें उनको इसी में कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर कैब ड्राइवर को सही लोकेशन नहीं समझ में आती है तो वो इस राइड को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उस लोकेशन पे अगर वो जाएगा तो उसको ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे। अगर वो 2 घंटे में एक राइड कंप्लीट करेगा उतने देर में वो 3-4 राइड कंप्लीट कर चुका होगा, इसमें उसे ज़्यादा पैसे मिल चुके होंगे। दूसरा चीज़ कैब ड्राइवर पूछता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो या अगर कोई अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर पेटीएम मनी से पे करता है तो कैब ड्राइवर मोस्टली उसे डिनाई कर देता है, क्योंकि उन्हें हमेशा कैश में ही पेमेंट चाहिए होता है, क्योंकि बेसिकली 7 से 14 दिन लग जाते हैं कैब ड्राइवर के पास पैसा आने में, लेकिन मोस्टली कैब ड्राइवर चाहते हैं कि हमें तुरंत का तुरंत पेमेंट मिल जाए, इसीलिए ज़्यादातर कैब ड्राइवर्स इस राइड को कैंसिल कर दिया करते हैं अगर आप ओला के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो। यहाँ पे कैब ड्राइवर्स ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक जुगाड़ भी यूज़ किया है, वहाँ पे ये कहते हैं लोगों से कि आप अपनी राइड कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको प्राइवेटली छोड़ देना हूँ, आप थोड़े पैसे कम कर दीजिएगा, क्योंकि 35% जो ओला को पैसे देने हैं वो इनके बच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करें तो अब यहाँ पे दोनों लोग फंस चुके हैं, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो ड्राइवर हो, क्योंकि कस्टमर को उस राइड्स की आदत पड़ चुकी है जिसके लिए वो हाई चार्ज पे करने को भी तैयार है, और यहाँ पे ड्राइवर भी बहुत बुरी तरह फंस गया है क्योंकि उसको अपने लोन देने हैं, अपने EMIs देने हैं गाड़ी की, जिस वजह से उसको कैब सर्विस करनी ही करनी पड़ेगी ओला के साथ, और यहाँ पे उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
तो दोस्तों जहां पे ओला की शुरुआत 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हुई थी, उसमें से आज 2 बड़ी प्रॉब्लम्स उनके लिए फिर अराइज हो चुकी है। ये आज के रेट में बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। दूसरी, इनकी अब अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो चुकी है, बहुत ही कम जगहों पे आपको आज ओला की सर्विसेज मिलेंगी। इवन अगर मैं बताऊँ टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो इनका हाल बहुत बुरा हो चुका है, आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको ओला की सर्विस मिलेगी। जो भी इससे एग्री करता है वो कमेंट में जरूर लिख के बताना। और अगर आप किसी बड़े शहर में, आप दिल्ली NCR में भी जाके देखेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ओला नहीं जाती है। इवन बैंगलोर में भी ओला बहुत जगह अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रही है। ओला तो रेडी है देने के लिए, लेकिन ड्राइवर ही जाने को रेडी नहीं है। ये इनके एक बिजनेस के बड़े फेल्योर की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले जब इनके पास बहुत सारे फंडिंग थे उसको ये यूज करके कस्टमर को एक्वायर तो कर लिए, लेकिन आज के डेट में अब जब इन्हें प्रॉफिट में आना है तो यहाँ पे कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों इसी टाइम पे अगर कोई नया स्टार्टअप आता है और वो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है तो वो एक इंडिया में एक मास स्केल पे अपने आप को बिल्ड कर सकता है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ पे जरूर बता दूं कि कोई जब पहला दूसरे नंबर पे कोई ब्रांड आता है तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, और जो प्रॉफिट कमाते हैं वो बाद में आए हुए ब्रांड कमाते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बायजू और अनअकैडमी ने पहले बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए लोगों को ऑनलाइन लाने में, और उसको कैश किसने किया? फिजिक्स वाला ने। तो इस तरह से अगर कोई इंडिया में नई सर्विस आती है तो उसको कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिया में बड़ा गैप क्रिएटेड है, ओला उबर के अलावा भी एक नया ब्रांड सामने आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ओला और उबर के साथ कैसा है, ताकि हम कमेंट ऑप्शन को भी हम डीपली समझ सकें कि क्या ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है।